जो भी श्रद्धा के नाल स्थान पर आके पांच दिन लगातार स्नान करनगे उसके होर भी चमड़ी के रोग ठीक होणगे। मैं तकरीबन 7 साल ड्यूटी करदे हो गए गुरु साहब की, बहुत देखे कि 15-15-20 साल टाइफाइड भी इत्थे ठीक होया। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आओ सा संगत जी, जिस पवित्र स्थान दे तुसी दर्शन दीदार कर रहे हो, एक गुरुद्वारा साहब बेरी साहब दे, इस जगह ते दशम पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने चरण पाउंदे ने। माछीवाड़े दे जंगलां चों हुंदे होए इस स्थान ते पहुँचते हैं। इतिहास विच इह कहा जांदा है कि जदों पातशाह जी इस पिंड विच आउंदे ने तां इस पिंड विच टाइफाइड की बीमारी ना कुछ लोग ग्रस्त सन, जिसनों कुछ लोग माता भी कह देंदे ने। तां जद पातशाह जी इत्थे आउंदे ने घोड़ियां दी आवाज़ सुन के तां कुछ लोग पहुँच जाते हैं, वो माता पहुँच जाती है जिसदे बच्चे नूं ये बीमारी ज़्यादा सी, तां वो कहिंदी है कि तुसीं इस जगह पर ना आओ, तुसीं पिंड च ना वड़ो, मेरा बच्चे नूं तकलीफ हुंदी है। तां पातशाह ने कहा कि जो बीमारी आउणी सी वो आ गई, इहदों बाद कोई तकलीफ नहीं होवेगी। फिर जदों ये पता लगता कि ये तो धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने, तो खुद मालक ने, तो वो चरण फड़दे ने पातशाह दे, तो कहिंदी है कि पातशाह जी मैनू माफ़ करो, मैं तुहानू रोकदी रही, तो तुसीं कृपा करो कि मेरी बच्ची ते नज़र पाओ, इनू ठीक कर दो। तो उस वक्त दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह वाक बख्शे कि इस जगह पर जो भी इस बीमारी ना पीड़ित आएगा उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तुसीं ये जो सरोवर देख रहे हो, ये सरोवर पातशाह दे वाक दिते हुए ने कि इस सरोवर दे विच जो स्नान करेगा सिर्फ टाइफाइड की बीमारी नहीं, शरदा दे नाल आवेगा, होर भी चमड़ी दे रोग ठीक हो जाएंगे। वो बेरी भी अज मौजूद है जिहड़ी पातशाह समय दी है, तुसी देख सकदे हो कि बेरी हरी भरी है। तो साडे नाल इत्थों दे खालसा जी मौजूद ने जो इत्थे ग्रंथ सिंह की सेवा करते हैं, तकरीबन 7 साल हो चुके ने। उन्होंने नाल इस इतिहास बारे होर जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो के नाल बने रहो तो इसनों शेयर जरूर कर दो। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा जी ठीक हो? चढ़दी कला जी, तुसीं सुनाओ जी। बस कृपा वाहेगुरु दी। खालसा जी, जिस तरह असीं पिछों इतिहास सुनिया कि पातशाह जी जदों इत्थे ने, इत्थे चमड़ी के रोग भी ठीक होंदे ने, टाइफाइड की बीमारी भी ठीक होंदी है, ये इतिहास नूं संखेप च जरूर संगत दे नाल सांझा करो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारो, स्थान चरण छो प्राप्त धरती दसम पिता धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जिया दी, गुरु साहब स्थान ते उस समय आए जदों गुरु साहब आप जी अपने बच्चों नूं इस सिख कौम तो वार के माछीवाड़े जंगलों के होंदे होया इस स्थान ते पहुँचे सन। स्थान गुरुद्वारा बेरी साहब पिंड शिलवाणी रायकोट के लागे, रायकोट तो तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान प्रकाशमान है। इत्थे गुरु साहब जी जदों माछीवाड़ जंगल तो होंदे हुए इत्थे आए सन, तो इस नगर के जो कि माता का जो प्रकोप से बहुत ज़्यादा सीगा, जिन्हों अज आप अजक टाइफाइड कह दें, तो गुरु साहब जी पिंड नगर के आए तो पिंड के कुछ लोगों ने, एक माता ने गुरु साहब नूं कहा भी तुसीं अपना घोड़ा लैके पिंड नगर तो बाहर चले जाओ, क्योंकि इस घोड़े दे वाज दे पैरां दे वाज दे नाल जो साडे बच्चे आ जो मरीज हन उह तंग हुंदे हन। तां गुरु साहब पिंड नगर तो थोड़ा ही बाहर आके ढाब बनी हुई सी, तां गुरु साहब इत्थे आके रात इक तरह विश्राम करदे हन। तां जदों पिंड दियां नूं पता लगदा है, माता नूं पता लगदा है, तां सुबह अमृत वेले वो पिंड दे लोग अते माता गुरु साहब दे कोल आ के आउंदे हन, तां बेनती करदे हन, सतगुरु जी साढ़े तो बहुत भुल चुक होई, सानूं पता नहीं सी तुसीं आप अकाल पुरख वाहिगुरु स्थान ते आए हो, सानूं कृपा करो, सानूं माफ़ियां दिओ अते सानूं इस नगर नूं इस करोपी तो बचाउण दी कृपालता करो। तां गुरु साहब ने संगत दी उस माता दी बेनती प्रवान करदे होया कृपा की, उस बच्चे टाइफाइड वो जी माता से बीमारी ठीक की, वचन किए कि भाई इस तो बाद इस नगर में इस तरह की कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई किसी का नुकसान नहीं होगा, जो भी संगत जो भी भाई माई भाई स्थान पर आने उन्होंने टाइफाइड की बीमारी ठीक होगी, जो भी श्रद्धा के नाल स्थान पर आके 5 दिन लगातार स्नान करे
उसके होर भी चमड़ी के रोग ठीक होंगे। पांच दिन इशनान करन तो बाद पंजवें दिन जदों आ के देख करवाउणगे तां गुरु साहिब कृपा करनगे उस जो भी रोग होगा वह सारे ठीक होणगे, चढ़दी कला सतगुरु जी उन्हां नूं बख्शणगे। भाई साहब जी, हुण कहा जाता कि दूरों दूरों संगत भी आउंदी इस जगह ते ते इत्थों पानी भी लैके जांदे ने। हाँ जी, इस स्थान ते मैनूं तकरीबन ड्यूटी करदे 7 साल हो गए हैं जी, ते संगत आउंदी है जो दूरों आउंदे आ लोक, उन्हां नूं रोज़ आउणा लगातार 5 दिन बहुत मुश्किल हो जांदा वा। जो नेड़े संगत आ उह 5 दिन लगातार आ के इशनान करदे आ, तां जिहड़ी संगत दूरों आउंदी उह जल लै जांदे आ, घरे साबण नहीं लाउणा जल नाल, ते जल वरतना 5 दिन जो टाइफाइड किन्ना भी पुराना होवे। मैं तकरीबन 7 साल ड्यूटी करदे हो गए गुरु साहब की, बहुत देखे कि 15-15-20 साल टाइफाइड भी इत्थे ठीक होया। पुरानी बीमारी भी ठीक हो जाती है? हाँ जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारी ठीक हो जाती, सतगुरु जी बहुत कृपा करते, श्रद्धा हो सारा कुछ ठीक हो जाता जी। श्रद्धा भी चाहिए है, प्यार भी चाहिए गुरु प्रति, तो सारा कुछ ठीक होंगे जी। मेन गल तो यह विश्वास होना जरूरी है कि जो सानू अपने गुरु पर विश्वास है तो सब कुछ हो जाए। हाँ जी हाँ जी, विश्वास जरूरी है जी, गुरु साहब के बचन तो हुए आ, पर सानू प्यार भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, श्रद्धा तो सारा कुछ ही है जी। भाई साहब जी, कई लोग यह भी कह देते हैं कि तुम सिख धर्म को अंधविश्वास ना जोड़ दो, तुम ये ना जोड़ दो, पर जिथे गुरु आप मेहरबान होवे उत्थे ये कृपा होनी तो लाजमी है, कुछ ना कुछ तो होवेगा, क्योंकि एक वक्त सी कि दुनिया कौतक देखती सी, कौतक मानती सी, तो कौतक तो दिखाता ही आया। हाँ जी हाँ जी, समय समय से होना गुरु साहब ने सारा अपने जो किया, गुरु साहब ने बहुत वधिया लोगों तकरीबन गुरु साहब के इतिहास में जोड़िया भी जोड़े गुरु लोग आ वह पखंडवाद विच ना जान, भी जो सिखी दे नाल जुड़े रहन, क्योंकि सा गुरु साहब ने सारा अपना परिवार वार के आप सिख कौम वास्ते सारा परिवार वारिया, तां जो कि कोई भी जिहड़ा सिख मेरा पखंडवाद च ना वड़े, उस शब्द गुरु नाल जुड़िया रहे। तो इत्थे स्थान पर जो गुरु साहब उस टाइम जदों दातन कर रहे ना, जो संगत आई है 4 बजे, तो वह तकरीब अमृत वे समय जो संगत ने गुरु साहब बेनती की, तो जो दातन कर रहे से बेरी की, और अभी देखोगे कि वह बेरी अज तक हरी भरी बिल्कुल ने, बहुत सोहना फल लगता वा, बहुत मिठे बेर लगते हैं, बहुत सोहने लगते। तकरीबन 7 साल हो गए मैं ड्यूटी करते हैं, गुरु साहब के बहुत कौतक देखे जी इतने। अच्छा, गुरु साहब वेले की यह बेरी है जिदे तो अज भी फल लगता है? हाँ जी हाँ जी, बहुत सोहना, बहुत मिठा फल लगता जी, बहुत वधिया फल लगता जी। भाई साहब जी, तुम 7 साल तो सेवा कर रहे हो इस स्थान की, देख रहे मैं बड़े विशाल रूप में फैलिया होया गुरु घर है, तो यह कमेटी पिंड की अंडर ही आता? हाँ जी, लोकल श्रोमणी कमेटी के अंदर है, तकरीबन जी जो सेवा वो पिंड के ही जो सिंह निभा रहे हैं, सेवा निभा रहे हैं, बहुत सोहनी सेवा निभा रहे जी, बहुत सोहना स्थान बनाया होया वा, जो NRI वीर आ बहुत ही ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं, संगत बहुत सहयोग दे रही है, बहुत इतफाक इकट्ठ नाल स्थान की सेवा जी निभाई जा रही है, तो बहुत वधिया संगत दूरों चल के आती है, तो होर भी रोग ठीक होंगे, बहुत संगत की भावना प्यार है इस स्थान के नाल, जो पुराने काफ़ी टाइम मैं देख रहा जी काफ़ी संगत 10-12 साल तो स्थान जुड़े हुए हैं, वो भी संगत इतने आके इशनान करते हैं, तो सू दसते भी होंगे भी पहले स्थान छोटा सीगा हूँ विशाल हो गया, वधिया सेवा करके बनवाया। भाई साहब जी, इतने फिर जाने के जिमें गुरुपुरब हो गए ने, होर मेला भरदा कह दिए, वो किहड़े दिन होंगे ने? इतने जी गुरु साहब दिन मनाए जाते हैं, तो जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज स्थान पर आए थे जो मासी वट जंगल होंगे, उस समय इतने नगर के समूह संगत के सहयोग का नगर कीर्तन कढ़िया जाता है, जो कि 27 दिसंबर का ही पक्का दिन रखा हुआ, वो सारे नगर के नगर कीर्तन सजाया जाता, संगत बहुत सहयोग देती है, ढाडी रागी सिंह सारे आते हैं जो इतिहास के नाल संगत ने जोड़ते हैं। भाई साहब जी, बड़े संगत अपनी वीडियो देख रही है, अगे शेयर भी जरूर कर दो, क्योंकि जेडे लोगों ये बीमारी की प्रॉब्लम है जिन्होंने ये समस्या है, तो वह इशनान करने के लिए इतने आन किहड़ा एरिया पैंदा, किहड़े पासों आ सकते हैं? मैंने 4 दिशावां तो जाने कि आप संगत को दस दिए कि गुरुद्वारा तो पहुँचना किवें आ। देखो जो संगत लुधियाने साइड तो आँदी है, वो मुल्लापुरत रायकोट आके टाली साहब गुरुद्वारा साहब स्थान गुरु साहब का 3 किलोमीटर के नाल शिलोवाणी पिंड पैंदा जी, तो जे मोगे साइड तो आना फिर जगरावे तो बसियाँ आके तो रायकोट नूं आना जी, सॉरी बसियाँ आके शिलोवाणी पिंड आना, तो जे असी संगरूर साइड बरनाले साइड तो आ रहे, बरनाले साइड तो रायकोट, रायकोट तो फिर शिलोवाणी जी। खालसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम संखेप इतिहास साझा किया, भुला चुकों की खिमा करो जी, इतिहास सुनाने कई गलतियां हो जाएं, अंजाम समय कि माफ़ करना जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो सतसंगत जी, तुम दर्शन दार किए गुरद्वारा बेरी साहब के, इतिहास भी सुन लिया, तो इस वीडियो में शेयर जरूर करना, जिन्ना भी
संगतां नूं जिन्ना भी लोकां नूं जिन्ना भी परसन नूं इह समस्या है जिन्हों असीं टाइफाइड कह दिंदे आ जां माता दी बीमारी कह दिंदे आ, तां इस जगह ते आके तुसीं इशनान करके अपने रोगां तों मुक्ति पाओ।